तो भाई आज का हमारा वीडियो ने बोला कि अपने बाइसेप को तकड़ा तंदुरुस्त और भाई कटिंग में कैसे कर सकते हैं और शेप में कैसे कर सकते हैं और भाई चौड़ा कैसे कर सकते हैं। भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो अपने बाइसेप को यानी कि अपने ढोले को चौड़ा कैसे कर सकते हैं। भाई बहुत भाइयों का सपना होता है कि महाबाजों की टी शर्ट पहनो और मेरा बाइसेप तकड़ा हो, मेरा ढोला तकड़ा हो, भाई सब देखें कि भाई का क्या ढोला, भाई का क्या बाइसेप है। तो भाई उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा कि अपने ढोले को यानी कि अपने बाइसेप को चौड़ा कैसे कर सकते हैं और भाई तकड़ा कैसे कर सकते हैं और कटिंग में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत भाइयों को थोड़ा बल्कि सा ढोला होता है और अच्छा नहीं लगता है। तो कटिंग में और भाई शेप में होना बहुत ही जरूरी इस कंडीशन में। तो मैंने यहाँ पर दो डंपल ले रखे हैं तो उसी के लिए कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा। तो भाई आपके पास डंपल है तो भाई आप ईंट वगैरह से वर्कआउट कर सकते हैं। तो भाई ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो डंपल ले रखे और भाई वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप करना, किसी मसल का आपका वर्कआउट करें तो भाई वर्कआउट से पहले वार्म अप करना, जिससे कि हम इंजरीज के चांस से बचे रहेंगे और हम एक वर्कआउट भी आसानी से कर पाएंगे। तो हम पहले एक्सरसाइज जो लगाएंगे इस कंडीशन में लगाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक अपना हाथ यहाँ पर रख लेना, यहाँ पर अपने घुटने पर रख लेना और ये इस कंडीशन में पूरा ऊपर बाइसेप को पूरा फ्लेक्स करना, एकदम पूरा एकदम लोड डालना बाइसेप की मसल पे। क्योंकि यहाँ पर जो हम टारगेट कर रहे हैं अपनी बाइसेप की मसल को टारगेट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में बाइसेप पे पूरा लोड डाला, मसल माइंड कॉन्ट्रैक्शन एकदम पूरा बना के, मसल मतलब माइंड का और मसल का एकदम कॉन्ट्रैक्ट बना के और पूरी एकदम ताकत लगानी इस कंडीशन में, पूरा एकदम स्क्यूज करके एकदम मसल को स्क्यूज, और दोनों हैंड से आपको सेम रेपिटेशन निकालना है इस कंडीशन में, ये पूरा स्क्यूज करके होल्ड करके। क्योंकि बहुत भाई क्या है इसको ढीला छोड़ देते हो, भाई आपको ढीला नहीं छोड़ना, सिलो सिलो ऊपर इस कंडीशन में और सिलो नीचे, क्योंकि भाई जब हम सिलो नीचे जाते हैं तो भाई हमारी बॉल मूवमेंट ही बिगड़ती है और हम इसको ढीला छोड़ देते हैं तो हमारी जो बॉल मूवमेंट है वो बिगड़ जाती है इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में आपको वर्कआउट करना है, इस कंडीशन में दोनों हैंड से आपको सेम वर्कआउट करना, और भाई हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 7 सेट लगाने मैक्सिमम, और रेपिटेशन आप जितना निकाल सकते हैं 15 से 20 लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमें लगानी इस कंडीशन में। तो वहाँ पर हमें सिंगल डंबल का यूज करना और दोनों हैंड से सेम इस कंडीशन में बॉडी को हिलाना नहीं है, एकदम स्ट्रेट रखना और पूरा एकदम स्क्यूज करना मसल को, स्क्यूज सिलो सिलो नीचे स्क्यूज करना, कि भाई जब तक हमारी बाइसेप की मसल पे लोड नहीं आएगा तो हमारी बाइसेप का जो साइज है वो कैसे बढ़ेगा। कोई लोड आना बहुत जरूरी है कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं तो स्क्यूज करके एकदम मसल पे लोड डाल के फील करके वर्कआउट करना इस कंडीशन में, पूरा फील करके सिलो सिलो नीचे। तो इस वर्कआउट के भी आपको 3 से 7 सेट निकालने हैं मैक्सिमम, रेपिटेशन आप जितना निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकालें, जब तक आपकी बाइसेप पे पूरा लोड ना आए कोई वर्कआउट करते रहना जितनी भी आपसे मैक्सिमम रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा निकले तो इतने निकालें। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमें सुपर सेट लगाना बाइसेप का, जो कि हमें लगाना इस कंडीशन में थोड़ा साइड से। तो इस कंडीशन में बॉडी को पूरा सीधा रखना, स्ट्रेट रखना, तो 3 वेरिएशन में लगाएंगे, 1 सिरो नीचे 2 सिरो नीचे 3, और अब हम यहाँ से ऊपर लगाना, 1 2 3, और आप लगाइए पूरा ऊपर, 1 फिर से ही रोकना, 2 3 इस कंडीशन में। और अब हम लगाएंगे पूरा सेट नीचे से ऊपर, सिरो नीचे, 1 2 3। तो इस कंडीशन में 3 वेरिएशन में लगाना, एकदम सुपर सेट है बाइसेप की वॉल को क्लियर करने के लिए इस कंडीशन में। तो अब हम लगाएंगे अगले एक्सरसाइज। तो इस वर्कआउट के आपको 3 से 7 सेट निकालने हैं मैक्सिमम, और रेपिटेशन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं इतना निकालें, पूरा एकदम मसल पे लोड डालें, जब भी साइज बढ़ेगा आपके मसल, क्योंकि मसल पे लोड आना बहुत जरूरी है किसी भी मसल का हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो आप मतलब अच्छी कंडीशन में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो भाई आपका जो टाइम आप मतलब वर्कआउट में टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं अपना, तो मसल पे लोड आना बहुत जरूरी है, अच्छी फॉर्म होना बहुत जरूरी है वर्कआउट की। तो अगली एक्सरसाइज इस कंडीशन में लगाएंगे, तो अगली एक्सरसाइज लगाएंगे इस कंडीशन में, फिर से हमें बॉडी को स्ट्रेट रखना और बॉडी को सीधा, और बॉडी को हिलाना नहीं है किसी कोई वर्कआउट कर रहे हैं हम, तो ये सिंगल सिंगल हैंड से भी लगा सकते हैं और दोनों हैंड से एक साथ भी लगा सकते हैं इस वर्कआउट को इस कंडीशन में, सिरो ऊपर और दोनों हैंड से इस कंडीशन में पूरा स्क्यूज करना है, पर साइड से सिरो नीचे पूरा ऊपर स्क्यूज सिरो नीचे फील करके एकदम इस कंडीशन में। तो इस वर्कआउट के भी आपको 3 से 7 सेट निकालने हैं मैक्सिमम, रेपिटेशन आप जितने निकाल सकते हैं इतना निकालें, और दोनों एंड से आपको स्वयं ही रेपिटेशन निकालने की, क्योंकि ऐसा नहीं करना आपको कि इससे ज़्यादा निकालिए इससे कम निकालिए, तो ये वाला जो आपका वाइसेप है मतलब नाराज हो जाएगा, तो भाई ऐसा आपको नहीं करना। आपको भी वर्कआउट बताया था और हमारा एक छोटा हो चुका है एक बड़ा हो चुका है, तो दोनों हैंड से आपको स्वयं रेपिटेशन निकालें। और अब हम लगाएंगे अगली एक्सरसाइज जो कि हमें इस कंडीशन में लगानी है, तो सिंगल सिंगल हैंड से लगाएंगे, यहाँ पर हमें स्टैंडिंग पोजिशन फिर से बनानी है और ये
सिरो ऊपर, सिरो नीचे, सिरो ऊपर, एकदम बॉल मोमेंट बनाए पूरा इस कंडीशन में, दोनों एंड से सेम रेपिटेशन पूरा एकदम स्क्यूज करके फील करके मसल पे लोड डाल के एकदम अच्छी तरीके से इस कंडीशन में। क्योंकि बहुत भाई ये कहते हैं मैं बाइसेप का वर्कआउट रोज करता हूँ, मैं रोज से कि आपका बाइसेप का साइज बढ़ेगा, हफ्ते में आप एक दो बार इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। और भाई आपकी फॉर्म अच्छा होना बहुत ही जरूरी, जब भी आपके बाइसेप का साइज बढ़ेगा आपकी जो बाइसेप की मसल है जब भी मोटी होगी तो वर्कआउट हो चुका फाइनल। और इस वर्कआउट को आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, दो से तीन महीने में आपका मतलब एक से डेढ़ इंच साइज आराम से बढ़ जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से आप वर्कआउट करते हो तब। और इस वर्कआउट को तो आपको फॉलो करना ही करना है भाई, डोला एकदम आपका चौड़ा हो जाएगा, तकड़ा हो जाएगा। और आप टी शर्ट पहनोगे ना लोग कहीं भाई का क्या डोला है, तो उसी को तकड़ा करने के लिए आपको ये वर्कआउट तो फॉलो करना ही करना है। तो भाई आपको संग के संग डाइट भी लेने के भी हमारी बॉडी बनाने के लिए या फिर किसी भी मसल को बनाने के लिए सबसे मेन रोल जो निभाती है हमारी डाइट निभाती है। तो डाइट को अच्छा रखो और इस वर्कआउट को फॉलो करो, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप मतलब एक से डेढ़ इंच साइज आसानी से आप बढ़ा सकते हैं दो से तीन महीने में, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब एक आध दिन में साइज बढ़ जाएगा, तो ऐसा तो किसी का नहीं होता। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक बनानी है कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जय हिंद और वंदे मातरम। भाई पूरा डोला एकदम अच्छी तरीके से पंप हो चुका है, थैंक यू।